प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी अटल जी की सरकार के समय। मैं कवि के रूप में अटल जी के परिवार में उनके छोटी गोष्ठियों में जाता रहता था। प्रमोद जी आमंत्रित करते थे और उस समय प्रधानमंत्री जी के पास पार्टी का महत्वपूर्ण काम था, तो संवाद में पता चला कि वो भी गुजराती कविताएं लिखते हैं। वो उस समय कहीं एक सांसद महोदय के घर पर रहते थे और मैं पहली बार गया तो मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण पद पे एक आदमी है और इतना साधारण तरीके से एक टेप रिकॉर्डर जो होता था पुराने ज़माने का, वो वीडियो वाला, वो ऑडियो वाला रखा हुआ है, कुछ कैसेट्स रखी हुई हैं, कुछ किताबें रखी हुई हैं, एक तख्त है, एक अलमारी है। वो सामान्य मुलाकातें थी जैसे किसी संगठन के किसी व्यक्ति से होती है, जैसे कांग्रेस में, बीजेपी में या किसी पार्टी में लोगों से, कवि साहित्यकार की होती हैं। लेकिन 2002 में जब वो वहाँ मुख्यमंत्री हो गए तब उन्होंने जो अलग अलग प्रयोग किए वहाँ पर, तो उनमें सांस्कृतिक प्रयोग भी किए, उन्होंने कल्चरली खुद को इम्प्रोवाइज किया। ईश्वर नाना में सौगन लौटू, राष्ट्रवाद तो मूल फलक है उनकी वैचारिकी का, उसके चारों तरफ ही उनकी चिंतना आप देखिए घूमती है और वो अब डीएनए में इतनी घुल मिल गई है उनके में कि आप सोचें उससे वो बाहर सोचेंगे वो नहीं सोच सकते। और मूलतः राष्ट्रवाद समाजवाद ही है, मूलतः राष्ट्रवाद समाज को साथ लेकर चले। राष्ट्र क्या है? देश मिट्टी, ईंट, गारा, लाल किला, कुतुब मीनार, संसद, इससे थोड़ी बनता है। देश तो जन से बनता है, मनुष्यों से बनता है। तो मनुष्यों की सम्मिलित चेतना जिस परिधि में बसी हुई है उसका उत्थान हो, उस मनुष्य का उत्थान हो। तो जो राम का राष्ट्रवाद है जिसमें भील हैं, कोल हैं, किरात हैं, निषाद हैं, शबरी है, रिक्ष हैं, वनवासी हैं, ये सब लोग हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते, हम हे माँ तेरा काम करते करते इस शरीर को अपने को गिरा दें। तो ये कौन कहता है? ये सैनिक कहता है ना सीमा पर खड़ा हुआ, ये कौन कहता है? ये वर्दी पहने हुए सिपाही कहता है ना, ये इसरो में काम करता हुआ साइंटिस्ट कहता है ना, ये के सीवन की टीम कहती है चंद्रयान भेजते समय कि माँ 24 घंटे काम करेंगे लेकिन तेरे लिए काम करेंगे, तू आसमान में चंद्रमा पे दिखना चाहिए तेरा अंश। तो ये किसी भी देश को प्रफुल्लित करता है और खास तौर पर ऐसे देशों को जिन्होंने 1000 वर्ष गुलामी झेली हो। उनके पास तो अब बचाने के लिए केवल यही बचा है कि वो इस थॉट को बचा के रखे। इस थॉट का कई बार मिसयूज भी होता है और कई बार अच्छा यूज भी होता है। अगर लीडर चाहे तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं परमाणु के टूटने जैसा है। इससे बम भी बना सकते हो और इससे ऊर्जा भी बना सकते हो। आप अगर बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, अगर आप एक आप में उस तरह की ताकत है तो आप अपने देश को उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां ले जाना है। और अगर आप हिटलर हैं, मुसोलिनी हैं, अगर आप कोई ऐसे हैं तो आप इससे बम बना सकते हैं, आपके निर्णय देश को गलत स्थिति में ले जा सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचारक से राजनेता हुए हैं, वो देश के उन गिने चुने नेताओं में है जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने, इनको सीधे दिल्ली से कहा गया कि जाइए शपथ ले लीजिए और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो लोकप्रियता कैसे हासिल करनी है और कैसे उसको बरकरार रखना है, इस पर उनकी 24 घंटे दृष्टि है। क्योंकि वो जानते हैं कि बिना लोकप्रिय हुए वो चयनित नहीं हो सकते और बिना चयनित हुए जो उनकी सोच है, जो वो करना चाहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी करते रहिए। तो आप देखिएगा कि मैं इसे उनके 14वें उद्भव के बाद 19 तक मैं इसे मोदी मॉडल ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स बोलता हूँ। बहुत सारे मुख्यमंत्री देखिए आप उनकी तरह एक्ट करते हैं, उनके विरोध में रहने के बाद भी वो एक एक बात पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होगा तो ऐसा क्या करूंगा। प्रधानमंत्री को एंगल्स पता हैं कि अब जनता क्या सोच रही है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ, अभी वो राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ नहीं ली, वो उनको शाम को मिलने के लिए गए, तो वो छोटा सा ही घर शायद मेरे ख्याल से झारखंड भवन या कहाँ वो रुकी हुई थी महामहिम हमारी, तो पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी थे और जो संयोजक थे चुनाव की ओर से शायद गजेंद्र भाई, गजेंद्र शेखावत जी, ये तीन लोग थे। तो मैंने देखा कि महामहिम बाहर निकली, जब तक महामहिम हुई नहीं थी, केवल निर्वाचित प्रत्याशी थी वो। प्रधानमंत्री ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि गाड़ी सामने, तो प्रधानमंत्री कहा नहीं आप पहले जाइए। ये जो कश्मकश है ये करीब 4 सेकंड चली, 4 सेकंड बाद जो अंदर चली गई तब वो बैठे। अब दो बातें हैं, एक तो कि प्रधानमंत्री को इस लोकतांत्रिक परंपरा का भान है और इसका सम्मान है। विरोधी कहेंगे नहीं सबको पता है कि कैसे चुने जाते हैं लोग,
सबको पता है कि जो वो चाहे वो कर देते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि द्रौपदी मुर्मू, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, जो कर दिया, पार्टी का निर्णय है। एक है कि उन्हें कैमरे का पता है, उन्हें जन भावनाओं का पता है। मेरा कहना है कि अच्छे राजनेता के लिए दोनों गुण आवश्यक है, उसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पता व सम्मान भी हो, और उसे जन भावनाओं की का एक आदर भी हो कि जनता क्या सोचेगी, जनता क्या नहीं सोचेगी, तो वो जानते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि समाजवाद भी है एक तरीके का और राष्ट्रवाद भी है। कोई भी काम क्रिया पर निर्भर होता है। हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आप सिर्फ ज्ञान देते रहिए, क्रिया मत करिएगा। भाई आज जो लोग प्रश्नों के घेरे में हैं, देखिए लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह है, मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? आप चलना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में, वो लोग जो अपने पिता की नहीं सुनते, चाचा की नहीं सुनते। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्या की राजनीतिक। वो बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जी जो भतीजे के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। क्या तुम तो बोलो ही मत, प्लीज चुप रहो। अब वो समझ में नहीं आ रहा उनके कि चिपक क्यों नहीं रहा। वो मेरे सब मित्र हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई आप रॉन्ग फील्ड में लड़ रहे हैं, वो फील्ड है आप चिपका ही नहीं सकते। उसके बेटा नहीं है, उसका भाई कैबिनेट में नहीं है, उसके चाचा के लड़के को नहीं टिकट लेना, वो कुर्ता झाड़ के खड़ा रहता है कि बोल बहुत बताओ तुम कौन, तुमको लेना है। तो प्लीज इस वाले विषय पर बात मत करो। आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी क्रियाओं से बनती है। जैसे 370 हटेगी, मैं आपको बताऊं समस्त भरोसे के बाद भी मेरे जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं मंचों से छेड़ता था। और भाई हटा ली 370, नाराज होते थे भाजपा के दोस्त, यार आप कैसे बोलते हो। अब मैं कहता हूं कि चलो युग को एक ऐसे चंद्र बरदाई की आवश्यकता है जो बीच बीच में पृथ्वीराज को कहता रहे कि बना, करता क्यों नहीं है, मत चूके चौहान। तो हम बोलते थे, मैं जयपुर में कार्यक्रम के बाद सुबह मुझे निकलना था, आप लोगों का फोन आया कि भाई रुकिएगा एक बाइट देनी है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ HM कुछ बोलने वाले। मैंने TV चलाया, मैंने 15A और 370 ही सैड, दिस वॉज अटर डिसबिलीव ऑन ईयर कि यार ये कैसे हो सकता। और मैं अपने सोफे पे चिल्लाया, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा रात को डिनर करा के सुबह अरे सुनो यार अमित भाई सुबह 370 हटा देते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा यार डोवाल साहब चलो कर। अरे भाई इस पर लंबी रिसर्च हुई होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे डील होगी, ये जो काउंटर टेररिज्म है इसका कैसे मैनेजमेंट हम करेंगे, इंसर्जेंसी पे हम क्या करेंगे, अंदर क्या उबाल होगा, जन भावनाएं, डोवाल साहब का वहां जाना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, बकरी चलाते बच्चों से बात करनी, वो सब प्लान हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा वो सब। आपने कर दिया, अब आप लोग करें करिए तो हो गया। अब क्या है, दिल्ली में जो आदमी सुबह दोपहर शाम पानी पी के कोसता है, कुछ काम उन्होंने ऐसे कर दिए हैं जो उनकी उस तरह की जो पहली सोच थी उस समय पे, जो निर्णय ले लिया कर लिया। क्योंकि अब ये संकट तो है नहीं कि पॉलिसी पैरालिसिस का, कि प्रधानमंत्री ने कुछ सोच लिया तो किसी और घर चेक करवाना है पहले, फिर 5 बैठेंगे, फिर 6 बताएंगे। यहाँ तो सोच लिया उन्होंने, तो वो हेड ऑफ द स्टेट हैं और कैबिनेट उनकी इंट्यून्ड है, पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि बहुत दिन बाद कोई ऐसा नेता है जो पार्टी का भी सर्वोच्च नेता है और सरकार का भी सर्वोच्च नेता है। उन्होंने अपने से लेके और 10, 15, 20, 100 तक गिनती बंद कर दी है। पहले होता था ना कि मनमोहन सिंह जी बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, चिदंबरम जी भी लगे हुए हैं, प्रणब मुखर्जी लगे हुए हैं, है ना, सब लोग पीछे लगे हुए हैं कि मेरा बन सकता है, मेरा बन सकता है, वहां तो किसी का बन सकता है। ऐसी पहले भी होता रहता था, बीजेपी में भी अटल जी की सर्वोच्च स्वीकार्यता के बाद भी, अटल अडवाणी युग, PM इन वेटिंग। आप बताओ कि आपको PM इन वेटिंग है क्या? कहते रहे लोग बाग दो एक नेताओं के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।